स्कूल यानी शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चे अपना भविष्य सवारने उसे बनाने जाते हैं। लेकिन इस स्कूल की बात अलग है, यहां बच्चे अपना भविष्य बनाने नहीं बल्कि बम बरसाने जाते हैं। जी हां, ठीक सुना आपने। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के यमुनानगर के नैनी थाने इलाके में बुधवार दोपहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो लड़के मास्क लगाकर पहुंचे और स्कूल के प्रिंसिपल को ललकारना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब दोनों में से एक ने एक के बाद एक स्कूल की दीवार पर बम मार दिए, जिसमें एक बम फट गया और प्रिंसिपल को छर्रे लग गए, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। ये बमबाजी की पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने लिखित शिकायत प्रयागराज के नैनी थाने में दी। वहीं पुलिस शिकायत मिलने के बाद से ही घटना की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें कि स्कूल में हुई बमबाजी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मास्क पहने आए दो लड़कों ने दो देसी बम कॉलेज में फेंके, सरेआम दहशत मचा दी। बताया जा रहा है कि यमुनानगर के नैनी कोतवाली क्षेत्र के गंगोत्री नगर स्थित आदर्श इंटर कॉलेज के अंदर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे दो युवक अचानक से कॉलेज के अंदर दाखिल हुए और ललकारते हुए वाइस प्रिंसिपल अश्विनी सिंह को बुलाने लगे। लड़कों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। दोनों लड़कों ने जब चिल्लाना शुरू किया तो इसी बीच वाइस प्रिंसिपल अश्विनी सिंह और प्रिंसिपल शरद प्रसाद मिश्रा कॉलेज के गेट के पास पहुंच गए। उनमें से एक शख्स बस चिल्ला ही रहा था कि क्यों पीटा और अश्विनी कौन है। इसी बीच प्रिंसिपल शारदा प्रसाद ने कर्मचारियों से गेट बंद करने को कहा, जिसके बाद एक युवक तो बाहर भाग गया और दूसरे युवक ने ताबड़तोड़ दो बम फेंके, जिसमें से एक बम फटा नहीं लेकिन दूसरा बम गेट के पास बनी दीवार से जाकर टकराकर फट गया। इस बमबाजी के दौरान प्रिंसिपल शारदा प्रसाद मिश्रा के चेहरे और हाथ में बम के छर्रे लग गए। कल 12 बजे लंच के बाद, जैसे ही लंच समाप्त होता है, 11:40 पर हमारे यहाँ लंच होता है, 12 बजे लंच समाप्त होता है, बच्चे थोड़ा दौड़ते हैं तो 2-5 मिनट पहले भी बेल लगवा दी जाती है। ठीक, बच्चे सब क्लास में चले गए, टीचर भी सारे लोग क्लास में चले गए। क्लास में जाने के बाद फिर जो है दो अज्ञात लोग आते हैं, बड़ा गेट बंद था, छोटा गेट खुला हुआ था, ऐसे ही लॉक था, तो खोल करके वो लोग अंदर आए और अश्विनी सर को पूछते हुए कि अश्विनी सर कहाँ हैं। ठीक, तो अश्विनी सर ऊपर से पढ़ाते रहे थे कि अच्छा 11 में वहाँ से वो अपना आए, देखे तो उतर करके नीचे, पहले उन्होंने उनको ऊपर बोला, वो नीचे आए, यहाँ पर गेट पर उनसे बातचीत हुई। बातचीत तब तक मैं अंदर ही था ऑफिस में, जब बातचीत का दौर बढ़ा इन लोगों का, क्यों मारा ये बात वो बोल रहे थे, अज्ञात लोग मास्क लगाए हुए थे, चेहरा पूरा ढका हुआ था। उसके बाद जब आवाज़ सुने तो हम भी दौड़ करके गए, जब गाली गलौज करने लगे, मातारी बहन कहने मतलब अब सब बकने लगे, तो हमने कहा भाई गेट बंद करो इन लोगों को। तब उन लोग बम फेंक करके, पहले बम को फेंका तो वो डिफ्यूज हो गया, नहीं फट पाया, दूसरा बम फेंके तो वो जा करके दीवार से टकरा करके मुझको भी लग गया, ये चोटें आ गई। सर, घटना ये थी कि दो बच्चे आए, मास्क लगाए हुए थे, दोनों यहाँ गेट के पास यहाँ पे आए और हम एक्चुअली पढ़ा रहे थे क्लास में। बच्चियाँ क्लास से बोलती हैं कि सर कोई आया है, शायद मिलने आया है, क्योंकि सर उधर बिजी थे केबिन में अपने, कुछ अच्छा गार्जियन आए हुए थे तो फीस उसके लिए वहाँ पे बिजी थे। हम सोचे हो सकता है कि फीस उसका कोई मैटर हो या और कोई बात हो, तो हम वहाँ खड़े होकर पूछते हैं, हम कहे क्या बात है भाई, तो वो बच्चे बोले कि यहाँ आ जाइए, हम कहे आ जाओ तुम ही आ जाओ, तो बोले नहीं आप यहाँ आ जाइए। हम सोचे हो सकता है कि वहाँ न आना चाहें, तो हम आ गए यहाँ पे, आए तो जब बोले कि हम कहे हाँ बताओ क्या बात है, तो बोलते हैं कि किसको मारे हो, किसको मारे हो, हम कहे किसको मारे हैं, नाम बताओ किसको मारे हैं। भाई क्लास विद्यालय है, विद्यालय में अनुशासन के लिए किसी को छड़ी दो छड़ी कभी न कभी मार दिया जाता है, अनुशासन बनाए रखने के लिए, बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि नहीं। आपको बता दें कि एक जिंदा बम भी पुलिस ने मौके से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले किसी बात को लेकर क्लास 7th के 2 छात्रों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, उसमें वाइस प्रिंसिपल अश्विनी सिंह ने दोनों छात्रों के बीच सुलह समझौता करा दिया था। हालांकि युवक कौन थे और किस मकसद से दोनों ने बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया, ये कॉलेज प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है, जिस पर दो अज्ञात हमलावरों ने शिक्षक और प्रधानाचार्य को निशाना बनाते हुए उन पर एक के बाद एक दो बम चलाए। आरोपियों ने उनसे गाली गलौज करते हुए 4 दिन पहले एक छात्रा को पीटने को लेकर भी सवाल किया। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का कहना है कि दोनों नकाबपोश युवक कौन थे उनको नहीं पता, और क्यों वो वाइस प्रिंसिपल को पूछ रहे थे उन्हें इसकी भी जानकारी नहीं है, दोनों ही उनके लिए अज्ञात हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक मामूली विवाद के बाद दो युवकों ने स्कूल के दीवार पर बम मार दिया। इस बम से स्कूल के प्रिंसिपल घायल हो गए। हालांकि ये मामला बहुत मामूली से था, लेकिन बात छोटी लेकिन बमबाजी बड़ी हो गई, जिसमें घायल प्रिंसिपल हुए हैं, मामूली चोटें आई हैं। अब इस पूरे मामले की जांच प्रयागराज नैनी पुलिस कर रही है, जांच के बाद ही ये समझ में आएगा
आखिरकार इन युवकों ने बमबाजी क्यों की थी और बमबाजी के पीछे वजह क्या रही है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।